तो डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी सिक्स मंथ एंड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सटेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट पर एनम फॉर वन रुपीज फॉर वन ईयर इज़ रुपीज थर्टी सिक्स द प्रिंसिपल इज अब देखो डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी सिक्स मंथ एंड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ ट्वेल परसेंट पर एनम फॉर वन ईयर इज दिस आपको किसके बीच में डिफरेंस ये कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड हो रहा है एवरी सिक्स मंथ और इसमें दे रखा है ट्वेल्व परसेंट पर एन एम तो कितना हो जाएगा सिक्स परसेंट हो जाएगा पर एनम का सिक्स ट्वेल्व परसेंट दे रखा है और कंपाउंड हो रहा है पर सिक्स मंथ तो हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा सिक्स ईयर सिक्स परसेंट राइट और टाइम दे रखा वन ईयर थर्टी सिक्स अब प्रिंसिपल निकालना है ठीक है तो हमें पता चल है प्रिंसिपल का फॉर्मूला पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई हंड्रेड स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा ये डिफरेंस होता है और हमें डिफरेंस कितना दे रखा है थर्टी सिक्स थर्ट सिक्स हमारा प्रिंसिपल हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सिक्स हो गया सिक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू हंड्रेड तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा टेंथ कैलकुलेट करके यहाँ पे हमने दो साल वाला फार्मूला कैसे लगा दिया जबकि डिफरेंट दो साल का होता है क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड हो रहा है हर एक सिक्स मंथ में तो एक छः महीने का हम एक साल मान रहे हैं एक छः महीने को एक साल मान रहे हैं सिक्स परसेंट सिक्स परसेंट तो इस तरीके से हम लेके चल रहे हैं तो कंपाउंडेड एवरी सिक्स मंथ तभी हम ये वाला फार्मूला लगा पा रहे हैं इसमें जबकि लिखा हुआ है कंपाउंड एवरी सिक्स मंथ सिक्स मंथ में कंपाउंड हो रहा है लेकिन एक साल का हम ले रहे हैं ना तो एक साल का मतलब दो साल का हो गया अगर सिक्स मंथ में कंपाउंड देख रहे हैं